गाइस, गुड मॉर्निंग. सो फिलहाल है डे 6 और आज मैं फीफी से निकलने वाला हूँ. मैं जाने वाला हूँ क्रैबी आइलैंड. क्रैबी आइलैंड में मैं आया हूँ नैंग बीच. ये बीच है जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ और बैल्कनी पार्टी हॉस्टल वहाँ जाके मैं रुकने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत बीच के साइड पे ही है और वहाँ पे मेरा एक ही दिन का स्टे है. लाइक आज पूरे दिन का ही स्टे है. तो 10 अभी हो रहे हैं 9:30 और मेरी 10:30 को फेरी है फ्रॉम फीफी टू दिस थिंग क्रैबी और वहाँ से फिर 15 मिनट्स का बस ट्रांसफर है जो कि मुझे 400 थाई बात में गिरा है जो कि ओकेश है और परफेक्ट है रेट के मामले में. और फिर वहाँ से मैं जाने वाला हूँ कुछ बीचेस पे अगर मुझे टाइम मिला तो, बिकॉज एकदम कट टू कट जाने वाला हूँ क्योंकि 2 बजे लास्ट की फेरी जाती है वो जो बीचेस है क्रैबी वाले वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़े सीक्रेट बीचेस है. तो लेट्स सी, अगर एक्सप्लोर कर पाया तो दिखाऊंगा और एल्स आयोनंग का एक टूर दे दूंगा जो कि बहुत अच्छा अमेजिंग प्लेस है. अगेन क्रैबी भी बहुत अच्छी जगह है. सो या अभी थोड़ी देर में निकल लेता हूँ, थोड़ा कुछ खा पी लेता हूँ बाहर जाके बिकॉज बैक टू बैक है और सब कुछ ऑसम है. और मेरा हॉस्टल वाला सीन क्या हो गया था कि मैं जिस हॉस्टल में रुका था वहाँ पे कोई आया ही नहीं, लाइक चेक इन ही नहीं किया. तो उन लोगों ने मुझे प्राइवेट रूम दे दिया था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ अकेले तो अकेले रह के प्राइवेट रूम में रह के कुछ मतलब नहीं है. तुम्हें हॉस्टल में ही रुकना पड़ेगा अगर आपको फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं. तो मैं एक टूर दे देता हूँ. तो ये है मेरा बेड, एयर कंडीशन है और नीचे जाके बाथरूम बस, और तो कुछ है ही नहीं. सो या मैं आपको फेरी पे मिलता हूँ. 9:30 हो रहे हैं, मुझे हाफ एन आवर में कुछ खा के वगैरह फिर से रेडी एकदम टिप टॉप होके वहाँ पे रुकना पड़ेगा. सब चेक इन वगैरह करना पड़ता है. जो भी फेरी पॉइंट है द पायर है तो वहाँ जाके पहले चेक इन करना पड़ता है. थोड़ी प्रोसेस है 5-10 मिनट्स की, लेकिन फिर भी लेट नहीं होना चाहता. सो या So see you guys later. Bye bye. फिलहाल तो आ चुका हूँ मैं टॉप पे और यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा है. एक बार लास्ट बार देख लेता हूँ बिकॉज अभी तो हम लोग जाने वाले हैं क्रैबी और क्रैबी जाके देखेंगे कितना अच्छा नज़ारा रहेगा. बहुत धूप तेज़ है. कल रात को तो बारिश हो रही थी, बहुत जम के बारिश हो रही थी कल रात को, लेकिन तो भी पार्टी तो चल रही थी. सॉरी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी. सब लोग भीग रहे थे बीच पे ही, डांस वांस कर रहे थे और इट वाज अमेजिंग नाइट. और ये तो फिलहाल हम चलते हैं वापस अपने चेक इन काउंटर की ओर क्योंकि अभी हो रहे हैं 10 o'clock. 10 बज रहे हैं अभी और 10:30 की मेरी बोट है और 10 बजे तक का चेक इन टाइम है कुछ तो. और लेट्स गो, अभी तो यहीं पर है. ये है मेरी बोट जिससे मैं जाने वाला हूँ और ये क्या है. तो यह अभी जस्ट चेक इन कर लिया, ये वाला काउंटर है. वहाँ पे सिर्फ आपको जो टिकट आप लेते हो अपने जो भी एजेंट है वहाँ से, फीफी में बहुत सारे एजेंट मिलेंगे और यहाँ वहाँ पे 2-3 एजेंट देखना क्योंकि कुछ कुछ एजेंट 50 बात एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं. सो वो जो चीज़ मुझे 400 में गिरी पड़ी है वही पायर के अराउंड 450 में बेच रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा है 50 बात भी.
सो या एक चीज़ का ध्यान रखना कि दो तीन जगह पे ज़रूर देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे चीप है करके। और या सो अभी चलते हैं बोट के अंदर। क्राबी में आ चुका हूँ, क्राबी के पायर पे हूँ, क्राबी पोर्ट पे। और यहाँ से मुझे बस मिनी बस का लाइक टिकट लेना पड़ेगा, जो कि मेरे इसमें ही पैकेज में इंक्लूड है, जो मैंने फीफी से लिया था 400 बात में, जो मुझे बोट टूर प्लस बस ट्रांसफ़र रहेगा। तो बस ट्रांसफ़र के लिए मुझे अभी टिकट लेना पड़ेगा वहाँ से, और फिर या फिर हम लोग निकल पड़ेंगे एवनांग बीच की ओर। मेरे बाल बहुत ही गंदे आ रहे हैं। ओके एनीवेज गाइस, सी यू ऑन एवनांग बीच।
somebody. Yeah, doing great. I was just sitting upstairs. Just chilling. Yeah. This is my girlfriend. Oh. Which slept. Oh, yeah. ये है हमारी बस आउनांग तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ क्रैबी आउनांग बीच. ये है आउनांग बीच और मेरा हॉस्टल यहीं पे है. लाइक बालकनी पार्टी हॉस्टल उसका नाम है. और लेट्स गो, अभी चलते हैं. अभी जस्ट यहाँ पे ड्रॉप करते हैं ये लोग एकदम आउनांग बीच के यहाँ पे. सो या अभी चलता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ हॉस्टल के अंदर. फटाफट हॉस्टल जाके मुझे रायले बीच के लिए निकलना है. अभी 12:30 कुछ तो हो रहा है, 1 o'clock 12:30 के बीच में कुछ तो है. और रायले के लिए जाने के लिए मुझे बोट लेना पड़ेगा. और या देखते हैं, मुझे रायले जाना ही है कैसे भी. लेकिन आई होप वो वहाँ पे बोट्स वगैरह अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि 2 बज गए ऑलमोस्ट अभी. सो या लेट्स गो. Hello. You're booking? Yeah. Hey guys. So मैंने होटल में चेक इन कर लिया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं और फिलहाल मैं रायली के लिए जाने वाला हूँ. 200 थाई बात का कुछ तो टिकट होने वाला है. और होटल मेरा हॉस्टल जो है बहुत बढ़िया है. वहाँ पे मैंने 400 थाई बात एज अ डिपॉजिट रखा है, क्योंकि वो लोग कुछ टॉवल्स का वगैरह जो भी है उनका एक्स्ट्रा फ्यू थिंग्स लाइक टॉवल, देन उनके पास कुछ शीट्स वगैरह एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए वो लोग ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 400 ले लिया है. और थोड़ा लो चल रहा हूँ कैश पे, क्योंकि मुझे डॉलर्स एक्सचेंज नहीं करने. आज मेरे पास ऑलमोस्ट 600 थाई बात कुछ तो बचे हैं अभी फ़िलहाल. सो लेट्स सी, अभी क्रैबी रायली के लिए मुझे 200 थाई बात पे करने हैं. और यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में हूँ जो 80 थाई बात का चिकन फ्राइड राइस ले रहा हूँ. और हाँ, तो अभी फ्राइड राइस खा के सीधे जाऊँगा रायली की ओर. बहुत बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे आउनांग का. और हाँ, और मैंने कल के लिए टैक्सी भी बुक करी है. थैंक यू. कल के लिए मुझे टैक्सी भी बुक की है 150 बात में फ्रॉम आउनांग टू क्रैबी एयरपोर्ट. सो यह मेरा खाना तो आ गया. अभी खाना खा के सीधा चले जाता हूँ रायली बीच पे. सी यू. Turn
panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family.